अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह। फार्म तो हमने पहले घूम लिए, पहले देखे माशाल्लाह क्या कलेक्शन है, कैसा काम चल रहा है। काफी अच्छा सेटअप है। आज लोगों को एक नया शौक देखने मिलेगा। हाँ भाई, इंशाल्लाह। कितने साल से मेहनत कर रहे हो भाई? भाई ये 4 साल पूरे हो गए ईद में। 4 साल पूरे हो गए ईद में। मतलब आप धीरे धीरे स्टेबल, धीरे धीरे अभी स्टेबल है, अब स्टेबल हो रहे। मतलब 4 साल में बहुत कुछ सीखने मिला। हाँ, सीख साख के अभी आज सब वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ये फर्स्ट वीडियो है। हाँ, पहली बार, दूसरी बार मुलाकात है, पहली बार याद नहीं होगी मेरे। हीरा गोट फार्म पे। अच्छा। तो आज जो है हम ये आपका पर्सनल शौक दिखाएंगे, पर्सनल शौक ताकि अब लोगों तक ये शौक पहुँचे। माशाल्लाह बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और काफी एक अच्छा सेटअप तैयार कर लिया। अगर मैं बोलूं अभी, यानी ये सेटअप मैं समझता हूं हर किसी का इतनी जल्दी नहीं आता। 4 साल आपको लग गए, लेकिन बहुत 4 साल लग गए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने मेंटेन। धीरे धीरे लोग जब चीज देखेंगे, ये खुद लोग बोलेंगे कि नहीं माशाल्लाह किस तरह ने आपने चीजें मेंटेन करी है। शूट स्टार्ट होने से पहले ये बता दीजिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं, कि आपका जो एड्रेस है, फार्म का नाम क्या है? फार्म का नाम है भाई अपना पनवेल गोट फार्म। पनवेल गोट फार्म। हाँ, और इसका एड्रेस है कामोटे में है, जुई गांव में है। ओके। जो पनवेल तालुका में ही आता है। पनवेल तालुका में ही आता है, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। नवी मुंबई। नवी मुंबई बोल सकते हैं। नवी मुंबई बोल। और अगर किसी को आना है, बाय रोड भी इजी है, नवी मुंबई में है। और ट्रेन से आना है तो मानसरोवर स्टेशन जो है 2-3 मिनट की दूरी पे है। 2-3 मिनट की दूरी। ओके, चलेगा। एक ओवरव्यू के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ बकरे भी बाहर निकाले हैं, ये भी हम दिखाएंगे, और इनकी पर्सनल वीडियो भी बनेगी। इनकी भी बनेगी वीडियो बाद में। तो ये सब कलेक्शन भी है, ये भी हम आते हैं इनके पास। पहले चलते हैं भाई के जो बकरियां हैं उनके बारे में चलते हैं। कलेक्शन आप लोग देख लिए और जज कीजिए कि माशाल्लाह इन्होंने 4 साल में कितना अच्छा मेंटेन। कोटा लवर हो? कोटा भाई लवर। कोटा का शौक है। कोटा का शौक है तो कोटा की नस्लें देखिए माशाल्लाह। ये सब बकरियां हैं। बकरियां है भाई। बकरियों के कान, बकरियों की क्वालिटी, चीज। बकरियां भी थोड़ा खाने में लगी हुई है, खाना डाले हुए माशाल्लाह। चीज देखिए, क्वालिटी देखिए। ये कोटा में ये तो पट है भी। ये पट है, घर के बच्चे भी इसमें काफी जो बड़े हो। अच्छा, घर के पट। हाँ, ये घर के पट है, ये भी घर के पट है। रेयर कलर में एकदम, कोटा में एकदम रेयर कलर। ये तो ऐसा है भाई कि आँख से जब तक देखेंगे नहीं। हाँ, वो सामने ही समझ में आते हैं भाई। हाँ, माशाल्लाह। और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जो कोटा की बकरियाँ आपके पास है और जो ब्रीडर हम लास्ट में दिखाएंगे, जी भाई, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीडर हो सकता है। वो भी हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द। अभी तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो ब्रीडर तो फिर हम उसके बारे में सही तरीके से बता सकते हैं भाई कि क्या है। लेकिन बकरियां, ब्रीडर तो हम दिखाएंगे, लेकिन बकरियों की क्वालिटी देखिए। प्योर कोटा में माशाल्लाह खूबसूरत 3 कलर, ट्राई कलर जो होता है, ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट, ये आज का मतलब ट्रेंडिंग कलर है कोटा। ट्रेंडिंग कलर है भाई। ये एक बकरी यहाँ खड़ी है, फ्रेम भी जो ट्रेंड में है कोटा की। ये बकरी देखिए माशाल्लाह, बेहतरीन खूबसूरत गुलाबी है। गुलाबी है भाई, पूरे बकरी है ना, गुलाबी है। ये चित्रे में माशाल्लाह पट दिखाया भाई ने, कितने खूबसूरत माशाल्लाह बकरी है। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसकी माँ है पट की। ये इसकी माँ है पट की, माशाल्लाह। हंसा भी रखे हो आपने? हंसा भी है, 2-4 हंसा भी है। और ये हंसा की ब्रीड अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये रही तो ये सब देखिए माशाल्लाह, ये उसकी पट है भाई। क्वालिटी, पंच फेस, चीज, ये भी एक पट है, क्लास पट देखिए, खूबसूरती देखिए और चेहरा देखिए। ये पंच देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि अलग से पंच लगवाए। हाँ, लगवाए, हाथ दबाए उसकी, माशाल्लाह। उम्मीद देखो भाई, मैं हम बहुत जगह जाते हैं, हम लोग शूट वगैरह करते हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आगे 2 सालों में आपके पास कोटा का एक बहुत अच्छा इंशाल्लाह। ये भी कुछ कोटा बकरिया है भाई, बड़े कानों में माशाल्लाह, देखिए ये भी एक बकरी है भाई। ये सब बकरियाँ बहुत मेहनत से मिलती है, आपने माशाल्लाह इतनी बकरियाँ अगर जमा कर, इतनी बकरियाँ गवाने के बाद में ऐसी बकरियाँ मिलती है भाई, गवाने के बाद। हाँ, गवाने के बाद मिलती है, देने के बाद। देखिए इसका कान ऊपर गया तो नीचे आया ही नहीं है, फंस गया उसका कान। और दूसरा कान से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा कान है उसका। और ये सब बराए मेहरबानी हम जो शूट कर रहे हैं, देने वाली चीजें नहीं, नहीं, इस फॉर सेल ये शो कर रहे हैं हम आप लोगों को। और माशाल्लाह जरूर टाइप करें, किसी इंशाल्लाह फॉर सेल होगी तो वीडियो बनेगा उसका, इंशाल्लाह वीडियो बनेगा। क्या किसी किसी को भाई शौक जगता है तो लोग मांगते हैं कि भाई कुछ दो, कुछ दो,
तो इंशाल्लाह उनके लिए भी ईद बाद हम लोग कुछ ईद बाद वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इनके जो बच्चे आएंगे वो फॉर सेल रहेंगे। माशाल्लाह चीजें देखिए, क्वालिटी देखिए और माशाल्लाह जरूर टाइप करें क्योंकि किसी की मेहनत है वो यहाँ तक पहुँचा है। हाँ भाई, ये भी भाई घर के बच्चे जो बड़े हो चुके इनकी भी झलक बता देंगे माशाल्लाह। ये दो दांत फ्रेश के बच्चे अपने घर के, दो दांत फ्रेश, ये भी दो दांत फ्रेश है बच्चा गुलाबी, अपने इधर ही पैदा हो गए बच्चे। मैं अगर ये सब बकरियां और ये सब बकरे जो चीज मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, ये सब बकरे जो है ये कई लाखों का माल आपके पास अभी है फिलहाल, मतलब इतना मेंटेन कर अच्छा माल बोल सकते भाई, वैल्यू तो अभी लोग ही लगाए हैं, वैल्यू तो लोग बताएंगे माशाल्लाह। और लोगों को पता है, देखो आप भी तो यहाँ पहुंचे तो सब देख दाग के पहुंचे। हाँ, देख के पहुंचे। ये तो कैसा है कि जमीन खोदे और निकाले, ऐसा तो नहीं है ना? वैसा कोई बात नहीं, खरीद के ही लाए हो, आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। चार साल बोले तो भाई बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज होती है माशाल्लाह। क्वालिटी देखिए, और जो मेन ब्रीडर है ये तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर ब्रीडर, ये एक हो गया और एक ये हो गया, ये भी चार दांत का बच्चा। हाँ, चार दांत। लेकिन खान की क्वालिटी देखिए, चेहरा देखिए, फ्रेम देखिए माशाल्लाह। और ये बच्चा अभी छह दांत किया है, है ना? हाँ, ये अभी छह दांत किया। और जो मेन ब्रीडर है वो इंशाल्लाह ताला वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे हम। तो वापस अगेन बोलूंगा कि माशाल्लाह जरूर टाइप करे चीज क्वालिटी। उसका कान तो भाई अभी तक नहीं हुआ सही, नहीं सही हुआ इतना माशाल्लाह, बड़ा कान है उसका, खाने ये साइड, हाँ ये साइड उसका माशाल्लाह। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि अल्लाह बुरी नजरों से हिफाजत करे इनकी इंशाल्लाह, आमीन आमीन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलेक्शन है कोटा, ये अगर जो कोटा लवर है वो आएगा देखेगा तो उसका यकीनन मानो शौक पूरा होगा। हाँ शौक भाई, आते हैं काफी लोग, आते हैं घूमते हैं, हम लोग बैठते हैं आराम से खाना पीना खाते हैं। अच्छा, देखते हैं बस हम लोगों को इन्फॉर्म करके आए तो अच्छा टाइम निकाल, ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा। कलेक्शन सेटअप जो है वो मेहनत से बन रहा है धीरे धीरे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद ये करता हूँ, फर्स्ट टाइम आपके वहाँ शूट है और आप भी शायद फर्स्ट टाइम करवा रहे हो। हाँ, फर्स्ट टाइम अपनी शूट, तो मैं उम्मीद ही करता हूँ और इंशाल्लाह कभी भी आना होगा मेरे को। मैं जहाँ तक देखा हूँ ये मेरे को उम्मीद दिखी है कि इंशाल्लाह आते दो साल में आपके वहाँ कुछ और ही चीज देखने मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर, बाकी आप लोगों की भी दुआ है, आपके भी जो वर्ड्स है बहुत बड़े वर्ड्स है भाई इंशाल्लाह ताला। देखो हम लोग, मैं खुद एक शौकीन हूँ तो हमको देखने के बाद समझ में आती है चीज़ें। नहीं, यही सब चीजें तो इंस्पिरेशन देती है भाई। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे, ये कुछ बच्चे अपने, लेकिन ये देना नहीं है ना? नहीं अभी नहीं देना है भाई, देना होगा इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे इस बार। इसमें जो मेल है भाई ज्यादातर बुक हो जाते हैं, गिने चुने कोई दोस्त यार है पहचान वाले है फील्ड के वो लोग बुक कर लेते हैं। तो ये उसी व्हाइट ब्रीडर के बच्चे है, ये बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया, ये बच्चा हो गया, देखिए बच्चे देखिए, ये मेल बच्चे, ये सब बुक हो चुके हैं, ये बुक हो चुका है, ये बुक हो चुका है। और भी दो तीन बच्चे हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ, जब वीडियो बनाएंगे तो कुछ अभी देना नहीं है, बस आप लोगों को क्वालिटी शो कर रहे हैं हम कि आप लोग देख लीजिए क्या क्वालिटी के माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं। और ये जो बच्चे देख रहे हो इंशाल्लाह आते साल इससे भी अच्छे बच्चे देखने मिलेंगे। ये पलाई के अपने पूरे, ये भी पलाई के कुछ जानवर है भाई। अच्छा, मतलब यहाँ पे काम क्या क्या होता है अगर मैं जानना चाहूँ? पलाई भी होती है भाई, पलाई भी होती है। कुछ दोस्त लोग हैं जो करीबी लोग हैं वो लोग बोलते हैं हमारे जानवर पालेंगे तो हम लोग पाल लेते हैं। और उससे कैसा होता है भाई कि हमारा भी और दूसरे ब्रीड का शौक पूरा हो जाता है कि हमारे पास कभी सोजत आ गए पलाई पे बोर आ गए तो वो भी शौक हमारा पूरा हो जाता है। हाँ भाई, और लोगों का हम शौक भी पूरा, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं हमारे यहाँ से बड़े होते हुए, सही है, तो हमारा शौक दूसरों की वजह से पूरा हो जाता है बड़े बकरों का। ये सब बच्चे ये पलाई पे भाई, ये टोटल पलाई पे, सब पलाई पे। ये हंसा हो गया माशाल्लाह, वो बच्चा पलाई, ये हंसा भी, ये भी हंसा पलाई पे, बहुत अच्छा बच्चा है, ये पसंद आया बच्चा, ये भी अच्छा बच्चा और ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, ये जमुनापारी हंसा में। हाँ माशाल्लाह, आए विजिट करें, बुक करें अगर आपको, अभी बहुत सी बकरियां बच्चा देने वाली है। अच्छा, बुक करने का सिस्टम है अपने पास? बुक करने का मतलब भाई कैसा है, क्या यूजुअली हम लोग एक 15 दिन महीने भर का बच्चा नहीं बुक करवाते, 3 महीने का हो जाए तो करवा देते हैं, 3 महीने का हो जाए तो करवा देते, वो भी किसी को पसंद आए तो, नहीं तो 4 महीने के बाद ही शो करते। अच्छा, कोई आ जाता है अचानक से विजिट कर लेता है तो उसको करा देते। ये पूरा कोटा बकरों की मंडी लग चुकी है, इनकी वीडियो आपको अभी सेकंड वीडियो देखने मिलेगी और प्राइस के साथ देखने मिलेगी, प्राइस के साथ देखने, है ना? तो जितनी भी चीजें हैं ये सब कुर्बानी का कलेक्शन है पूरा, हम नेक्स्ट वीडियो में इनका प्राइस के साथ वीडियो बनाएंगे, है ना? जी भाई, सही है। चलिए अब मेन ऊपर, हम ऊपर मेन, हाँ आ जाओ। अच्छा, ये भी अपने कुछ बच्चे, ये भी इस बार वीडियो बनेगी,
गुलाबी बच्चे, बड़े कान के बच्चे, हाँ हाँ हाँ, जो अगले साल के लिए है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। एक ये बच्चा है, ये भी फॉर सेल के लिए रहेगा, ये भी फॉर सेल, पूरा गुलाबी बच्चा है मार्बल में। अदंत है भी, अदंत है भाई, माशाल्लाह। ठीक है तो इंशाल्लाह सेकंड वीडियो जब भी आप ईद बाद बनाएंगे इंशाल्लाह जी भाई, तो अच्छे से शो करेंगे, है ना, अच्छे से शो करेंगे। अच्छा ये पूरा एरिया कितने बड़े, कितने बड़े स्क्वायर फीट में है ये? ये एरिया लगभग होगा 8,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट, 7 से 8,000 स्क्वायर फीट का एरिया है पूरा, 7 से 8,000। और अगर मैं ये क्वांटिटी की बात करूँ कि अपने नंबर ऑफ गोट्स कितने हैं अपने पास अभी एट प्रेजेंट? 120 है, 120 है, 10-15 बच्चे होंगे तो 120। ये सब पलाई के, पलाई के जानवर है। इसमें एक आप बता रहे थे कि ये फॉर सेल है ना, फॉर सेल है इसको। इसका भी डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना, ये भी जी भाई, एक ये बच्चा आएगा ये, और एक भी और उधर भी, और एक ये बच्चा नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम एक ये फर्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, सेकेंड वीडियो के लिए इंतजार कर रहेंगे आप। और मेन हम जो इसके शौकीन है, जो यहाँ ये बच्चा बैठा है, इसके जो कान खत्म नहीं हो रहे जमीन पर, इसको बस ऐसे रहने दो भाई, खाली बस मैं चेहरा और चीज दिखा देता हूँ कि ये ब्रीडर है मेन, और बहुत ह्यूज है और माशाल्लाह बच्चा है। अभी जितने बच्चे आएंगे इससे आने की उम्मीद, हाँ इससे, उससे भी आएंगे, इससे भी आधे आधे आएंगे, आधे आधे आएंगे, आधे आधे आएंगे, माशाल्लाह। चीज देखिए, ये फॉर सेल है, फॉर सेल ये वीडियो से भी किसी कोई भी पूछ सकता है, डिटेल वगैरह पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो सेल है वो वीडियो में बताएंगे, जो सेल है उसके लिए पूछ सकते हैं आप, जैसे स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं अमर भाई से, क्या बोलते क्या डिटेल है, क्या है सब चीज, और व्हाट्सएप पे आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी। ज्यादा तो मैं यही बोलूंगा, अभी सीजन का टाइम चल रहा है, कुर्बानी है, तो ज्यादातर डायरेक्ट फार्म पर आ जाओ, लोग घूम ही रहे तो आ जाओ, एक बार फार्म पे आके विजिट करो, विजिट करो, चीजें देखो, और जो भाई ने 4 साल में मेहनत करी है वो देखो, हाँ भाई, तो आपको भी शौक जागेगा कि मेहनत किस तरह से होती है और किस तरह मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अच्छा किसी को नजदीक रहेगा भाई, कोई नवी मुंबई का देख रहा है वीडियो, हाँ, तो उनके लिए भी अच्छा जो शौक होगा, पलाई वाले करने का शौक होगा, मैं देखा हूँ नजदीक रहे कि दूर रहे, वो पहुंच जाते भाई, उनके मतलब की चीज दिखी तो वो, हम लोग पहुंच जाते हैं भिवंडी, पड़गा, नासिक, सब जगह पहुंच जाते हैं शौक करने, तो वही चीज बोला, बाद में बात करेंगे आपसे। तो शौक वाले जो है वो पहुंच जाते हैं, मैं ये बोलूंगा शौक अगर कोटा का पूरा करना है, पनवेल गोल्ड फार्म आ जाएगी, आ सकते हैं एनी टाइम, कभी भी। तो ये वीडियो हम यही क्लोज करते हैं ना जी भाई, जी चलिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।